वेलकम दोस्तों, आज हम लोग जो आपका कल डाइस पढ़ा कैलेंडर पढ़ा था उसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। कल जब हम लोग लास्ट में थे तो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। कल रूल बताए थे कि 1600, 1700, 1800, 1900। मैंने बताया था कि ये लीप वर्ष होता है, जो जो शताब्दी वर्ष होगा वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। कितने से? 400 से डिवाइड होना चाहिए तो ही लीप वर्ष होगा। उसके बाद 1700, 1800, 1900, यहां हम लिखेंगे 2000, यहां 2100, 2200, 2300। ये दोनों के दोनों लीप वर्ष है, फिर उसके बाद 2400, फिर उसके बाद 2800 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का जब जिस शताब्दी में भी हम जाएंगे उसमें लीप वर्ष का कोड 6 होगा, मतलब लीप वर्ष का कोड 6 होगा शताब्दी में। यानी कि जैसे आपने लिखा 1600 है तो 1600, 2000, 2400, तो कोड कितना होगा? 6 होगा। यानी कि अगर 1612 की अगर बात करेगा तो 6 से काम करेंगे। उसके बाद दूसरा 420, यानी कि 1600 से आगे 1700 का कोड 4, या 2000 से आगे 2100 का कोड 4, 1800 का इतना, 1900 का इतना, 2300 का इतना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने बताया था 0, 33, 614, 625, 0, 35। मैंने आपको ये कुछ कोड्स बताए थे कि 0, 33, 0, 35, 614, 625। उसके बाद मैंने बताया था संडे, और ये बताए थे मैंने कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में। किस वर्ष में बताए थे? साधारण वर्ष में। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीप वर्ष, कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष में सबके सब वही होंगे जो इसमें थे, बस किसका फर्क आएगा? जनवरी और फरवरी का, 6 और 2। संडे 0, मंडे 1, ट्यूजडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। उसके बाद एक रूल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एक रूल आपको मैंने बताया था, रूल था तारीख प्लस महीने का कोड प्लस कोड्स प्लस सन के बाद के 2 अंक प्लस सन के बाद के 2 अंक बटे 4 प्लस शताब्दी का कोड। और पूरे के बटे 7। मैंने आपको कल ये चीजें सिखाई थी, आपकी समझ में शायद ये आ गई होंगी। कल मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी, जो स्लीप वर्ष कौन सा होता है, सामान्य वर्ष कौन सा है, इसको जो कल वीडियो डाली है भाग फर्स्ट कैलेंडर का, उसमें आप लोग देखेंगे। कल मैंने आपको सिखाया कि 15 अगस्त 2016 का दिन क्या होगा। इस सवाल को करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हुई, उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने क्या बताया, तारीख कितनी? 15 प्लस महीने का कोड, अगस्त का कोड कितना? 2 प्लस सन के बाद के 2 अंक, सन के बाद के 2 अंक 2016 है तो 16 प्लस सन के बाद के 2 अंक बटे 4 प्लस, जब ये शताब्दी का कोड हम लोग लिख रहे थे तब हमने 1900 समझ के कितना लिख दिया था? 0, जबकि आपका कितना है? 6 पूरे के बटे 7, 4 चौक 16, 6 4 10 और 2 12 6 18 5 23, 3 हासिल 2, 1 3 और 1 4। अब इसको 7 6 42, 7 6 42, कितना शेष बचेगा? 1, तो 1 पे क्या आता है? मंडे। तो दिन क्या होगा? मंडे। मैं भी आप लोगों की समझ में ये बातें आई होंगी, आप लोगों इसको थोड़ा सा क्लियर करिए होंगे। नंबर 2, ये नंबर 1 बात मैंने बताई,
अब हम लोग नंबर दो पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। 22 जुलाई 2007, तो एग्जांपल क्या कहता है, तारीख देखो रूल में से, तारीख महीने का कोड 6, बाद सन के बाद के दो अंक 7, बाद के दो अंक 7/4, और शताब्दी का कोड कितना 6, और पूरे के बटे 7। 4 से 7 को भाग देंगे एक बार कटेगा, दशमलव वाली बात नहीं लिखनी, पूरा पूरा वैल्यू लिखना। 6 × 1 = 7, 7 = 14 और 6 = 20 और 2 = 22, 2 = 42 बटे 7 = 42, 7 × 42 कितना शेष बचा 0, और 0 पे कौन आता है, संडे। इसका मतलब 22 जुलाई 2007 को क्या दिन था, संडे था। ये एक टाइप हो गई थी कल जिसको हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था, ठीक। इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप पहले वाले टाइप पे देखेंगे, वैसे मैं तो पहली जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां आप ढूंढ सकते हैं। आइए नंबर दो, अब आज आगे बढ़ते हैं आज के काम पे। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन रविवार था, क्या था, रविवार था, तो बताएं 15 जुलाई 2007 का दिन क्या होगा, दिन क्या होगा। मेरे प्यारे बिचारे विद्यार्थी, इसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को दिन रविवार था, तो बताएं 15 जुलाई 2007 का दिन क्या होगा। तो बच्चे लोग, यहां कोई जरूरी नहीं है कि 15 अगस्त 1947 का दिन रविवार ही हो, कोई भी अलग हो सकता है। तो बताएं 15 जुलाई 2007 का क्या दिन होगा। तो आपको क्या करना, रूल लगाना, पहले 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना। कैसे, तारीख 15, अगस्त का कोड 2, बाद के दो अंक 47 / 4, और भैया 1900 की बात कर रहा है तो कोड कितना 0, और पूरे के बटे 7, कोड कितना 0 और पूरे के बटे 7। 4 से 11 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। वैसे तो डेसिमल में भी कटता, लेकिन आपको डेसिमल वाली वैल्यू नहीं रखनी है, केवल किसके वाली वैल्यू रखनी है, पूरी पूरी 1 और 7 8 और 2 10 5 15 का 5 का 1 2 4 6 1 7 75/7, 7 से भाग दोगे कितना शेष बचेगा 5, तो 5 बचेगा तो क्या आएगा, फ्राइडे, शुक्रवार। जबकि इसने क्या कहा, रविवार, यानी कि कितने दिन बढ़ा के बता रहा है, 2 दिन बढ़ा के बता रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें 2 दिन बढ़ा के बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 15 अगस्त 1947 का दिन निकालेंगे, तारीख, तारीख कितनी 15, महीने का कोड, अगस्त का कोड कितना 2, 2007 बाद के दो अंक 7/4, और 2000 की श्रेणी में कोड कितना आ जाता, शताब्दी का 6, और पूरे के बटे 7। 4 से 7 एक बार कटेगा, तो यहां क्या लिखूंगा 1, 6 × 1 = 7 = 7 14 2 = 16 और 15 = 31 31/7, 7 × 28 बच गए कितने 3, 3 पे क्या आता है, वैसे तो आता है बुधवार, लेकिन इसने 2 दिन बढ़ा के बताए तो हम भी 2 दिन बढ़ा के बताएंगे, क्योंकि देखो आता था शुक्रवार, इसने बताया रविवार, तो हम भी 2 दिन बढ़ा के बताएंगे, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार होगा। जितने दिन इसने बढ़ा के बता रखे, क्योंकि यहां तक हमारा शुक्रवार, इसने बताया रविवार, तो हम भी भैया 3 और 2 = 5, हम भी आता बुधवार है, बताएंगे कितना, शुक्रवार। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, लेकिन दोनों के दिन निकाल के देखने पड़ेंगे। कई बार तो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ही आंसर वो देता है, वो कहेगा है कि शनिवार, लेकिन कई बार एक दो नंबर बढ़ा के बताता है, जिस तरीके से बढ़ा के बताता है उसी तरीके से हम लोग इसमें बढ़ाकर बताएंगे, क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, इसी तरीके के दो चार क्वेश्चन आप करके देखेंगे, ठीक है। आइए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आता है टाइप नंबर 3 इसी का। ये खत्म हुआ सब, इससे कोई हम लोगों का मतलब अब नहीं रहा। आइए किस में बात करते हैं, वो उसी वर्ष उसी दिन में बात करता है, उसी वर्ष में बात करता है। कहता है किसी
साधारण वर्ष में 15 मार्च का दिन शनिवार था तो बताओ 15 नवंबर का दिन क्या होगा उसी वर्ष में। 15 नवंबर का दिन क्या होगा उसी वर्ष में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले तो आपको एक बात समझाता हूं, जिस जिसके कोड समान हैं, जिस जिसके कोड समान हैं, देखो 033 614 625 035, जैसे यहां 3 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 3 लिखा है, तो जो दिन यहां 15 तारीख का होगा वही यहां होगा। 15 मार्च का दिन शनिवार था तो भैया 15 नवंबर का दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। बाय द वे इसको करेंगे हम लोग कैसे, आइए उस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। कैसे सर्च कर लेते हैं, मार्च कितने दिन की होती है, 15। मार्च कितने दिन की होते हैं, 31 दिन की, तो दिन कितने रह गए 16 मार्च के। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर कितने की बात कर रहा है, 15 की। कई लोग तो आपको समझाएंगे कि साहब इसमें विषम दिन निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, विषम दिन आप निकाल लीजिए, लेकिन मैं कहता हूं आप इस चक्कर में मत पड़िए, यहां से यहां तक आप लिख लीजिए, लिख लिए। अब आइए 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1 1 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 और 1 24। अब जो यहां टोटल आया उसको कितने से भाग देंगे, 7 से। कितने से भाग देंगे, 7 से। 7 ये 21, 4 में से 1 3 5 7 5 35 बच गया कितना, 0। अब जो अगर 0 बचता है तो जो दिन यहां था वही दिन यहां होगा, अगर बचते 2 तो भैया इसमें 2 दिन शनिवार में 2 दिन जोड़ के बता देता, सोमवार रविवार और सोमवार। क्लियर होगी बात बेटे, कोई डाउट तो नहीं हुआ, ठीक समझ में। एक एग्जांपल और देते हैं हम लोग, कहता है किसी साधारण वर्ष में 15 जुलाई का दिन शनिवार था तो बताइए 15 नवंबर का दिन क्या होगा, ऐसे ही हम लोगों ने लिख लिया। अब भैया जुलाई कितने दिन की होती है टोटल, 31 दिन की, कितने दिन की, 31 की, तो 16 दिन बच रहे हैं प्लस जुलाई के बाद अगस्त 31 दिन, सितंबर 30, अक्टूबर 31 प्लस 15 नवंबर की मेरे से बात कर रहा है, सबको जोड़ दो 5 और 1 6 और 1 7 और 6 13 हासिल 1 2 3 5 3 8 3 11 1 12। दोबारा जोड़ देता हूं 5 और 1 6 और 1 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1 2 3 5 3 8 3 11 1 12 डिवाइड बाय 7, 7 ही कम 7 5 3 7 सती 49 बच के कितने भैया, 13 में दन हो गए 4। अब देखो यहां से कहा था 15 जुलाई का दिन शनिवार है और हमारे शेष कितने बच रहे हैं, 4, तो आप शनिवार में 4 दिन जोड़ दोगे, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो भैया 15 नवंबर का दिन होगा बुधवार, क्या होगा बुधवार 15 नवंबर का दिन होगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम लगी होगी तो कमेंट करके पूछ सकता है, जैसे आज एक बच्चे ने पूछा था, मैंने लास्ट सवाल कल वाले इसमें वीडियो में गलत पढ़ा दिया था, तो उसने बच्चे ने मुझे पूछा। नेक्स्ट एग्जांपल आइए ध्यान देंगे, कुछ भी कहता है 2 मार्च को सोमवार था तो 15 जुलाई का दिन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना बेटे, मार्च देखो आप कितने दिन का होता है, 31, 31 दिन का होता है, 2 पूरे हो लिए तो कितने रह गए 29 प्लस, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई कितनी कह रहा है 15, सबको जोड़ देखो, दो दिन का तरीके के लोग होते हैं, कुछ तो विषम दिन निकाल लेंगे, 7 चौक 28 बच गया कहेंगे 1, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गए 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 दूनी 14 बच गए, ये भी कहेंगे आप लोगों को कि आप इनको ही डायरेक्ट भाग दे लो, 2 और 1 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 को 7 से भाग दोगे कितने बचेंगे 2, तो सोमवार में 2 जोड़ दो, मंगल बुधवार होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधा बिल्कुल कुछ नहीं करना, 5 और 1 6 और 9
15 का 5 का हासिल लग गया कितना, 1। 2 और 3 5, और 3 8, और 3 11, 2 13, भाग दे दीजिए 7 से, 7 एक 7 बच गए 6, 5 7 रम 63 बच गए कितने 2। अब यहां शेष 2 बचे, उसने बताया 2 मार्च का सोमवार था, तो भैया 2 दिन और जोड़ दो, मंगलवार और बुधवार होगा। ये कैलेंडर था बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेंगे कैलेंडर के, अगर कोई समस्या होगी मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। जैसे एक बच्चे ने आज कल एक छोटी सी गलती मैंने पढ़ा दी थी, उसको मुझसे पूछा, ठीक है, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट करें।